हुक लाइन तो यही था, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। तो निश्चित रूप से मरून कलर ने वो धमाका मचाया कि अब अलग अलग कलर पे भी गाने बन रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी को जाके मिला अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनसे मैंने कहा कि आप बताइए आगे क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना फिल्म करते रहिए। सांसद बनने का अपना एक अलग ही एक रुतबा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस अभी आप फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी जगह कोई और सांसद बैठा है आजमगढ़ का। और ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कारण ये है कि मैं ये जानता हूँ कि जो हम लोगों ने 2 साल में किया है वो अभी आगे आने वाले 50 साल अगर वो सांसद रहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। चुनाव के बाद फिर एक बार भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिल्मों में जुट चुके हैं। इस समय आप मुंबई में हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है वापस से आपको पहले वाले रूप में देख के। आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं, अब थोड़ा सा आराम होगा? नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और हम जब आजमगढ़ में भी थे तो वहां भी शूटिंग कर ही रहे थे, और ये वही फिल्म है जो हम लोगों ने आजमगढ़ में कम्प्लीट कर लिया था। 2-3 दिन की शूटिंग रह गई थी जो गाने शूट करने थे, तो प्रायोरिटी हमारी यही थी कि जैसे चुनाव खत्म होगा तो इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं और 3 दिन के लिए फिल्म रुकी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग ये शूट कर रहे हैं और आज कंप्लीट कर रहे हैं इस फिल्म को। हमेशा से आप कहते आए हैं कि पहला आपके लिए फिल्म ही है, उसके बाद राजनीति है, एक बार फिर ये बातें जरा सा साफ करें तो बेहतर हो। मुझे लगता है कि ये तो हर कलाकार के लिए पार्टी भी बोलती है कि आपका पहला काम तो वही है, क्योंकि इस काम की वजह से ही लोग प्यार भी करते हैं और इस काम की वजह से ही लोग जानते भी हैं। तो निश्चित रूप से ये तो हमारा पहला काम है, पर इस काम को करते हुए जनता की सेवा के लिए भी थोड़ा समय निकालना हर किसी का कर्तव्य होता है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से हम लोग राजनीति में भी हैं, और राजनीति में रह के जो भी अपने जनता के लिए कर सकते हैं वो भी हम करते हैं और अपना काम भी करते हैं। बहुत प्रयास किया, काफी प्रयत्न किया, बहुत मेहनत की आपने और आपके भोजपुरी के दूसरे कलाकारों ने भी आपके प्रमोशन प्रचार प्रसार के लिए, जीत नहीं हासिल हो पाई। अब काफी दिन हो गया है रिजल्ट आकर के, मंथन बहुत किया होगा आपने, क्या कुछ रह गया था? मुझे लगता है कि विपक्ष का जो झूठ था वो हावी पड़ गया, और जनता के अंदर वो जो भ्रम बैठ गया, उन लोगों ने बड़े मतलब ग्राउंड लेवल पे जाकर के ये झूठ फैला दिया कि अगर मोदी जी फिर से आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे। ये सारी जो झूठ उन्होंने फैलाया उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोगों को अटैक करना चाहिए था उस लेवल पे हुआ नहीं, और निश्चित रूप से जो खटाखट पैसे देने की बात किया था राहुल गांधी ने वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका काम कर गया। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, झूठ और फरेब बहुत दिन तक नहीं चलता है। जिन राज्यों में पहले कांग्रेस सरकार रही है वहां के लोगों को पता था, आप वहां का जब नतीजा देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ का देखिए, आप एमपी का देखिए, तो एकदम साफ हो चुके हैं। यूपी में लंबे समय से कभी कांग्रेस आई नहीं, रही नहीं, तो वहां के लोगों को इन झूठों के बारे में पता नहीं था, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो, और इनके झूठ में वो फंस गए। पर कोई बात नहीं है, मैं इसको और अच्छे तरीके से देखता हूं कि अगर झूठ बोल के फरेब बोल के आप जहां भी जीते हैं, अब आपको अगर मौका मिला आप 5 साल में दिखाइए आप क्या करेंगे, तो 5 साल बाद फिर हम मैदान में आएंगे आप, और जनता आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब आजमगढ़ छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए कि और भी जो आपके लीडर्स होते हैं, जो आपके ऊपर जो पदाधिकारी हैं, उनसे आपने बात करी कि भैया मैं जाऊं फिल्मों की तरफ या फिर सेवा में लगातार रहूं, या किस तरह से इजाजत दी उन्होंने? नहीं, मैंने बात किया, मैं सबसे पहले महाराज जी को जाके मिला अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनसे मैंने कहा कि आप बताइए आगे क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना फिल्म करते रहिए और समय जो है वो आजमगढ़ में भी देना, आजमगढ़ को छोड़ना नहीं है। अगर आजमगढ़ में ही शूटिंग जब चलती रहती है तब तो हम रहते ही वहां, लोगों से मिलते ही रहते हैं, पर अगर मान लीजिए कभी हमें मुंबई में शूट करना पड़ा, किसी और अयोध्या में करना पड़ा, बस्ती में करना पड़ा, तो भी 2 फिल्मों के बीच में हम 5 से 10 दिन वहां निकाल के रहेंगे, ताकि वहां क्या चल रहा है उस पर भी हम लोगों को काम करना पड़े। कोशिश करी थी आपने आजमगढ़ को भी एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री बनाने की, तो वो अभी भी जारी रहेगी? हाँ जारी रहेगी, क्योंकि ज्यादातर फिल्में मेरी वहीं शूट होती है जी। अब ये फिल्म देख लीजिए, मुंबई में सिर्फ 3 दिन हो रहा है। अच्छा, स्पेशल सॉन्ग यहाँ चल रहा है। बस बाकी का पूरी फिल्म आजमगढ़ में ही बनाया हमने, ये फिल्म पूरी आजमगढ़ में बनी है।
अच्छा, तो ये कौन सी फिल्म है, थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताएं जहां शूट कर रहे हैं। ये फिल्म का नाम है संकल्प और इसके जो प्रोड्यूसर हैं राजघराना के आदित्य झा जी और हमारे जो अशोक जी हैं वो इस फिल्म के निर्देशक हैं। अपर्णा जी इस फिल्म की हीरोइन है। हमारे सुशील सिंह जी जो हैं वो इस फिल्म में हमारा और उनका जो है चलता है पूरा, जो बाकी फिल्मों में लोग देखते रहते हैं तो वो टक्कर भी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी फिल्म है ये संकल्प और राजघराना फिल्म की जितनी फिल्में बन रही है अच्छी ही बन रही है। आदित्य झा जी जो हैं वो जितनी फिल्में बना रहे हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं, ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। आखिरी में दो चीजें हैं, जाते जाते आप चुनाव लड़े, हारे, फिर जीते, फिर हारे, सांसद बनने का अपना एक अलग ही एक रुतबा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस अभी आप फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी जगह कोई और सांसद बैठा है आजमगढ़ का? और ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कारण ये है कि मैं ये जानता हूं कि जो हम लोगों ने दो साल में किया है वो अभी आगे आने वाले 50 साल अगर वो सांसद रहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमने उसी आजमगढ़ में 2 साल में जो किया है, हमने वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा है, हमने वहां विश्वविद्यालय बनवा दिया, हमने वहां संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने वहां जितनी सड़कें थी वो सब बनवा दिया, हम आजमगढ़ में रिंग रोड बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हारने के बाद वहां काम नहीं कर रहे हैं, काम जारी है। आजमगढ़ में हमने जो बना दिया है 2 साल में, अब ये 50 साल में बना के दिखाएं, इनसे होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत आपने चुनाव प्रचार करा, हर जगह आपको हम गाते भी सुनते थे और आपकी शुरुआत भी हुई और इसलिए भी हम आपको बहुत ज्यादा इस वजह से पसंद करते हैं। आजकल एक गाना बहुत तेजी से वायरल है आपका, मरून कलर सड़िया, गाया तो किसी और सिंगर ने है बट आप उस पर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं, तो अगर आपकी आवाज में ये गाना एक लाइन हो जाए तो फिर बस इतना समझिए मजा ही आ जाए। बिल्कुल, और देखिए मैं एक बात और मानता हूँ, जैसे बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ कि अरे यार मेरी फिल्म है तो कोई और गाना क्यों गाएगा। हाँ। ये भी मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा, सेट पे भी जो गाना बज रहा था वो भी किसी सिंगर ने, आई थिंक नीलकमल सिंह ने ही। मतलब क्या है कि गायक होने का मतलब ये नहीं है कि फिल्म का सारा गाना मैं ही गाऊंगा, ये तो ठीक नहीं है। तो मैं शुरू से ही ये बात कहता हूँ अपने डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी कि जिस गाने में जो आवाज सूट करे आप उससे ही गवाइए। कोई फोक सॉन्ग है तो मैं गा दूंगा जो जिसका मैं गायक हूं, और जो नए लोग उभर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं उनको मौका दीजिए ताकि वो और आगे आ सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे रवि भैया हूं, चाहे मनोज भैया हूं या पवन भैया हूं, एक समय आने के बाद हमको किसी और को मौका देना ही पड़ेगा ना। आने वाले समय में इस भोजपुरी इंडस्ट्री को कौन संभालेगा, तो उन लोगों को लगातार मौका मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं फसल में नील कमल जी ने जो गाना गाया पूरे वर्ल्ड में वो ट्रेंडिंग में गया गाना, और चुनाव में भी वो मेरे साथ थे, वहां भी बहुत मेरे साथ घूमे, और उस फिल्म के गाने पे मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड है, किसी भोजपुरी गाने पे इतना रील नहीं बना होगा। रील ट्रेंडिंग में चला गया। ट्रेंडिंग में चला गया, करोड़ों रील्स बन गए और व्यूज भी बहुत आया। उसका लाइन तो, हुक लाइन तो यही था, जान मर जान हो मरून कलर सड़िया, जान मर जान हो मरून कलर सड़िया। तो निश्चित रूप से मरून कलर ने वो धमाका मचाया कि अब अलग अलग कलर पे भी गाने बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अभी तक सुना जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी को, जिन्होंने ये तय करा है कि फिर एक बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ना ही है। क्या आपने कहा था जाते जाते जब तक लड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे नहीं, क्या एक मुझे बने? हाँ, मुझे लगता है कि अगर कोई जिम्मेदारी हम लोगों को मिलती है तो वो हम एक प्लेयर की तरह, खिलाड़ी की तरह निभाते हैं। और आप देखते हैं कि जब हम मैच खेलते हैं तो भले एक प्लेयर कम रन पे आउट हो जाए, पर जब टीम जीतती है ना तो हमारी जीत हो जाती है, और हमारी टीम फिर जीती है, आगे भी हमारी टीम जीते, इसके लिए मुझे जितना जान लगाना है वो मैं लगाता रहूंगा लगातार। और यही एक प्लेयर के लिए होना भी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो, राजनीति के मैदान में हो या सिनेमा के मैदान में हो, कि आप अपना 100% दीजिए। हो सकता है कि आप ही ना बहुत कुछ कर पाए, पर आपकी अगर टीम कर रही है, टीम जीत रही है, तो वो उसी में अपनी जीत समझना चाहिए। और हम लोग ऐसे ही समझ के मैदान में खेलते भी हैं और राजनीति में भी जाते हैं, सिनेमा में भी रहते हैं। और देखिए फिल्में हम बहुत करते हैं पर सारी फिल्में हिट नहीं होती है, फिर भी हम तैयार होते हैं अगले दिन ही अगली अच्छी फिल्म बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं कि आने वाले समय में भी लगातार
हम लोग राजनीति में भी बने रहेंगे, सिनेमा में भी बने रहेंगे, जनता का मनोरंजन भी करते रहेंगे और जनता का काम भी नहीं रुकने देंगे, क्योंकि केंद्र में भी और प्रदेश में भी दोनों जगह हमारी सरकार है। आजमगढ़ का कोई काम रुकेगा नहीं।